मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट ग्रामर, क्लास फोर्थ, चैप्टर 30, डिस्क्राइबिंग पीपल। डिस्क्राइबिंग पीपल मीन्स लोगों के बारे में कुछ बताना। जैसे कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो आपको उसके बारे में लिखना होता है। जैसे कि हम आपको बोलते हैं, राइट ऐसे ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, ऑन माई स्कूल, है ना। वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे उनके बारे में लिखना है, लोगों के बारे में। द फॉलोइंग आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके मम्मा पापा के बारे में लिखने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्री पीपल शोन इन द पिक्चर, रीड इट केयरफुली। आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पिक्चर में यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे थ्री पर्सन है, तीन लोग है ना। इन तीनों लोगों के ऊपर निर्भर होके एक डिस्क्रिप्शन मीन्स एक ऐसे के टाइप में इनके बारे में कुछ लिखा गया, ठीक है। तो हमें उसे क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट इज सौरभ इज अ यंग मैन विथ ब्लैक थिक हेयर। ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये सौरभ की है, यंग मैन विथ ब्लैक थिक हेयर, एक आदमी जिसके बड़े घने काले घने बाल है। हिज फेस इज राउंड एंड ही हैज वाइट बट अन ईवन टीथ। हिज फेस इज राउंड, उसका जो चेहरा है वो गोल है और उसके जो दांत है वो भी क्या है, ही हैज वाइट बट अन ईवन टीथ, दांत है उसकी सफेद से। ही इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, उसको क्या पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है। जैसे कि एक व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी हमें पता होता है वह लिखना। नेक्स्ट इज द नेम पिक्चर ऑफ अ गर्ल, किसकी पिक्चर है ये, एक लड़की की। द गर्ल इन द पिक्चर सीम्स टू बी इन हर अर्ली टीन्स। ये जो पिक्चर में आपको जो दिखाई दे रही है एक लड़की, ये बहुत ही मतलब मान लो कि ये उस समय की पिक्चर है जब वो बहुत ही छोटी थी। शी हैज़ ब्यूटिफुल फ्यूचर्स, इसके जो मतलब कहते हैं ना फीचर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे हैं। शी हैज़ ए फेयर कॉम्प्लेक्शन, हर आईज आर ब्राइट एंड आलमंड शेप्ड। आलमंड का मतलब जानते हो, जो बादाम जैसे होते हैं ना वैसी आंखें हैं इसकी। मिस्टर रमेश, अब लास्ट में जो है वो मिस्टर रमेश है, इज इन हिज 70s, इनकी उम्र कितनी है, 70, 70 साल के हैं ये। हिज हेयर इज वाइट, उनके बाल जो है वो सफेद है। ही हैज फ्लैट नोज एंड गैप्ड टीथ, इनकी जो नाक है वो फ्लैट है, ठीक है, और गैप्ड टीथ मतलब दांतों में जगह होना। ही हैज अ सीरियस लुक ऑन हिज फेस, और इनके चेहरे पे कौन सा लुक दिखाई देता है, कौन सा कैसा लगता है इनका चेहरा, जैसे कि बहुत गंभीरता से ये कुछ सोच रहे हों वैसा चेहरा इनका लगता है। अब हम देखते हैं, नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न सम अदर थिंग्स अबाउट दिस। नाउ दे हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट यू हैव टू डिस्क्राइब ए पर्सन्स अपीयरेंस, ड्रेस, वॉइस एक्सेट्रा, मतलब एक व्यक्ति के बारे में जो जो हमें पता होना चाहिए अगर हम एक डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या व्यक्तियों के बारे में कुछ लिखा अनुभव करते हैं हम, तो वो ठीक है। सो एज, यंग है, ओल्ड है, टीनेजर है, लेट 40s है, ठीक है। और फिगर, थिन, मोटे हैं, पतले हैं, फैट, मोटे हैं, स्लिम, बहुत ही पतले होना, मैस्कुलर, डेलिकेट एंड लीन, ओके। हाइट, टॉल, शॉर्ट, ऑफ मीडियम और एवरेज हाइट। कॉम्प्लेक्शन, डार्क, वाइटिश, पेल, फेयर, लाइट, मतलब ये उनका रंग जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। फेस, राउंड, लॉन्ग, वोवेल, रिंकल्ड, इसमें W साइलेंट होगा। नोज, लॉन्ग, फ्लैट, ब्रॉड, पॉइंटेड, शार्प। नेक्स्ट, हेयर, डार्क, रेड, ब्राउन, शॉर्ट, थिक, लॉन्ग। नेक्स्ट इज आईज, ब्लू, ब्राउन, ब्राइट, लार्ज, स्मॉल, ब्लैक और राउंड। अपियरेंस, अग्ली, गुड लुकिंग और स्मार्ट, जैसे कि वहां पे सीरियसनेस बताया गया वैसे। नेक्स्ट, वॉइस, लो, स्वीट, डीप एंड म्यूजिकल। नेक्स्ट, ड्रेस, लूज, टाइट, टाइडी, कैजुअल, ऑल फिटिंग, ओके। ये जो है यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिनके फ्रेजेस एक व्यक्ति के बारे में जब हम वर्णन करते हैं तो ऐसे वर्ड्स का हम ऑलरेडी मतलब हम यूज करते रहते हैं, है ना। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड वी हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट।
Yes, students, now you can see your letters practice. Question A, write a short description about your neighbor. In this question, they are asking you to write a description, means एक ऐसे की तरह आपको अपने पड़ोसी के बारे में कुछ लिखना है. If you know to write, you can write by yourself. आप अपने पड़ोसी के बारे में आप खुद कुछ भी लिख सकते हो, but लेकिन लैंग्वेजली, ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, अच्छे से आपको लिखना है, ओके. मिस्टर प्रमोद इज माई नाइबर. मिस्टर प्रमोद इज माई नाइबर मीन्स मिस्टर प्रमोद जो है वो हमारे पड़ोसी है. ही इज अ बिजनेस मैन. ही इज ए बिजनेस मैन. ही ओन्स अ स्टेशनरी शॉप. इनकी खुद की एक स्टेशनरी शॉप है. मिस्टर प्रमोद इज हेल्दी एंड एक्टिव. ही इज पंक्चुअल टू. ही गोज फॉर अ वॉक एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग. मिस्टर प्रमोद जो है वो हमारे पड़ोसी है. वह एक बिजनेसमैन है जो कि अपना खुद का बिजनेस करते हैं ये, और इनकी एक अपनी खुद की स्टेशनरी शॉप है. ठीक है, स्टेशनरी शॉप होती है ना. मिस्टर प्रमोद इज हेल्दी एंड एक्टिव. और मिस्टर प्रमोद जो है वो स्वस्थ है और एक्टिव, बहुत तंदुरुस्त भी रहते हैं वो. ही इज पंक्चुअल टू. ही गोज फॉर ए वॉक एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग. वो हर बात के लिए पंक्चुअल है, कि जैसे कि वो सुबह 6 बजे उठते हैं तो वो 6 बजे ही उठेंगे, और वो अगर कोई काम जिस वक्त पे वो करते हैं वो उसी वक्त पे करेंगे, वो कभी लेट नहीं होंगे. जैसा उन्हें चाहिए वैसे के वैसे ही वो करना चाहते हैं. मतलब एक पंक्चुअलिटी होती है एक व्यक्ति में, जैसे कि एक स्टडी टाइम अलग होता है और किसी वर्क का टाइम अलग होता है, तो पंक्चुअलिटी होती है उसमें. ही गोज, और वो रोजाना सुबह के 6 बजे क्या करते हैं, वॉक के लिए घूमने जाते हैं. ही गोज टू हिज शॉप एट 9 o'clock और अपनी दुकान पर सुबह के 9 बजे पहुंच जाते हैं. मिसेस प्रमोद इज एन हाउस वाइफ. उनकी पत्नी मिसेस प्रमोद जो है वो हाउस वाइफ है. शी इज काइंड एंड जेंटल लेडी. वो बहुत ही कहते हैं ना दयालु और बहुत ही अच्छी औरत है. शी लुक्स आफ्टर द हाउस. वहाँ क्या करती है, अपने घर का ध्यान रखती है, अपने घर के जो भी कामकाज वगैरह होते हैं वो करती हैं वो. मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद आर लविंग एंड हेल्पफुल. और मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद यहाँ पे, जैसे मिस्टर प्रमोद और मिसेस प्रमोद मीन्स उनकी जो वाइफ है, ये बहुत ही अच्छे हैं और वो दूसरों की मदद भी करते हैं. दे हैव टू चिल्ड्रन. उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम, एक है दिनेश एंड नेक्स्ट इज दक्ष. दिनेश एंड दक्ष आर द टू चिल्ड्रंस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद. दिनेश इज 13 years old. दिनेश जो है वो 13 साल का है. ही इज माई फ्रेंड. वह मेरा प्रिय मित्र है. वी ऑफन प्ले टूगेदर. हम अक्सर एक साथ खेलते हैं. दक्ष इज 10 years old और दक्ष जो है वो 10 साल का है. दे आर वेरी पोलाइट एंड वेल मैनर्ड चिल्ड्रन. ये बहुत ही ईमानदार और क्या कहते हैं, वेल मैनर्ड, यानी हर एक चीज में वो मैन, एक तौर तरीके जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं इन बच्चों में. ओके, वी All help one another in need. We all help one another in need. जब भी हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, हम जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार हम एक दूसरे की जरूर मदद करते हैं. We celebrate festivals together. और यहाँ तक कि जो भी पर्व त्योहार जो भी हम मनाते हैं, हम एक साथ एकजुट होकर मनाते हैं. This is the description about our neighbor. Okay? You can write by yourself also. नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर. यहाँ पे आपको ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर दोनों में से एक के ऊपर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उनके बारे में लिखना है. ओके, यू कैन राइट अबाउट अ ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, बट आई हैव रिटन हियर अबाउट अ ग्रैंड मदर. इफ यू वॉन्ट टू राइट अबाउट योर ग्रैंड फादर एंड इवन अबाउट योर ग्रैंड मदर बाई इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन राइट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. माई ग्रैंड मदर इज अबाउट 70 years ऑफ एज. मेरी दादी जो है वो 70 साल की, लगभग 70 साल की है. शी इज अ नॉबल वुमन. शी इज द हेड ऑफ अवर फैमिली. वह क्या है, हमारे परिवार में मुखिया है. शी लिव्स वेरी सिंपल लाइफ. वो बहुत ही साधारण सा जीवन व्यतीत करती है. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज आउट फॉर अ डेली वॉक. वह रोजाना जल्दी उठती है सुबह और रोजाना डेली वॉक मीन्स रोजाना घूमने सैर पर निकलती है वो. शी गोज टू टेम्पल डेली. रोजाना वो मंदिर भी जाती है. शी इज फिट एंड हेल्थी. वो बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त है. शी टेल्स मी स्टोरीज एट नाइट. वह रात को हमें कहानियां सुनाती है. शी इज वेरी हॉनेस्ट. वो बहुत ही ईमानदार है. शी इज हेल्ड इन रेस्पेक्ट. अवर होल फैमिली ओबेज हर ऑर्डर्स.
हाँ हमारा जो पूरा परिवार है वो उनके सारे जो भी वो कहती है उनके सारे ऑर्डर्स जो भी वो हमें कहती है वो पालन करते हैं। शी ऑफन गिव्स अस गिफ्ट्स, वहाँ अक्सर हमें गिफ्ट्स तोहफे देती रहती है। शी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत ही दयालु है और ईमानदार भी है। वी ऑल लव हर वेरी मच, हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पसंद भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव टू राइट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन अबाउट एंड इवन अबाउट योर नाइबर ऑल्सो। यू कैन राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, अबाउट योर स्कूल। ओके इन दिस वे वी हैव टू राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मीन्स एक छोटा सा नॉर्मल सा एक ऐसे टाइप में आपको ऐसे लिखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट अंडरस्टूड दिस चैप्टर। हैव ए नाइस डे, राइट एवरीथिंग इन योर टेक्स्ट बुक। ओके फिल इन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड इट।